Upaji paro jai, upi bhagya.
after 5 minutes, sit properly. Close your eyes and mouth. Keep your gaze bone straight. And try to concentrate. Okay, 5 minutes. Sit properly. Close your eyes and mouth. Keep your gaze bone straight. And try to concentrate on one point. Visualize endless space. With divine light, and visualize globe in the space and body on the globe in the space. And visualize Brahma Chakra. It is situated on the top of head. Which is the center of your soul. And Supreme Consciousness is residing in that group. In Veda we are reading that Atma and Paramatma both are living in Brahma Chakra like light and shadow. Parameshwara is like a light and your soul is like shadow. So try to concentrate on that point. It is very easy to approach Brahma Chakra. Pay your attention on the breath and watch it. Chant your mantra with breath and try to concentrate on it. One day automatically you will reach up to Brahma Chakra, real point. Okay, good. Peacefully and thoughtlessly.
now decide global in unity terms. सनातन धर्म में असंख्य शास्त्र हैं, और सभी स्वयं में परम प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनमें से कोई ऐसा नहीं है से अप्रमाणित कहा जाए। और उन समस्त शास्त्रों का एक व्यक्ति द्वारा एक अध्ययन की बात तो दूर रही, उनका संक्षिप्त दर्शन भी संभव नहीं है। शास्त्रों को अर्थ सहित समझना तो बहुत दूर की बात है। एक बार उनके सारे पन्ने पलटने की आयु भी एक व्यक्ति के पास नहीं है। फिर विशेष रूप से मनुष्य के लिए उपयोगी और उपादेय रास्ता कैसे समझ में आए, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। उसके लिए गीता में भगवान ने एक बात कही अर्जुन से, बात बहुत ही महत्व की है और हम आप सभी के लिए वो ग्राह्य है, ग्रहण करनी होगी। भगवान ने कहा समुद्र में भरा हुआ जल या किसी जलाशय में भरे हुए जल को देखकर ये सोचना कि ये सारा जल मेरे लिए ही है, भ्रांत बुद्धि का विषय। मनुष्य को चाहिए जितने जल से उसकी प्यास बुझती है उसमें से उतना जल ग्रहण कर ले, इसी में उसकी बुद्धिमत्ता है। यावान अर्थ उत्पाने सर्वते समृतोदके तावान सर्वेश वेदेशु ब्राह्मण से विदा का। उसी प्रकार से समस्त शास्त्रों को देख करके
और ये सोचना कि इसमें से हम किस रास्ते पर चलें, किसकी बात माने, सभी अपने आप में प्रमाण है, किसको स्वीकार करें। भगवान कहते हैं भ्रांत चित्त की वृत्ति जितना तुम्हारे मतलब का तुम्हारे लिए उपादेय आवश्यक उपयोगी हो उतनी ही बात शास्त्र से तुम ग्रहण करो और उसके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाओ। समस्त शास्त्रों की जानकारी या उनका अनुकरण तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। अब ये प्रश्न और उत्पन्न हुआ कि हमें कैसे ज्ञात हो कि इसमें से कितना हमारे लिए उपयोगी है। भगवान ने इसका उत्तर दिया कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इदम धर्म्यामृतमिदम, ये अमृतप्रद धर्म है और ये मेरे द्वारा उपदिष्ट है। मेरे द्वारा कहने का अभिप्राय भगवान स्वयं गुरु के स्थान में खड़े हुए हैं, अर्जुन ने स्वयं को शिष्य भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित किया है, शिष्यस्तेम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मेरे द्वारा उपदिष्ट अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट जो उपयोगी ज्ञान तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए अमृत है, उसी का सेवन करके तुम कल्याण के भाजन बन जाओगे। और 12वें अध्याय में भगवान ने शर्त और लगा दी अर्जुन के लिए अथवा एक सिद्धांत स्थापित किया जो कि प्रत्येक जिज्ञासु के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा मये व मन आधस्व मई बुद्धि निवेश, मन को तू मेरे में धर दे और बुद्धि को मेरे में प्रवेश करा दे। निवशिष्यसि मये व अतमूर्धम न संशय, और इसके पश्चात तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। तो भगवत भाव में निवास करने के लिए ये दो शर्तें भगवान ने बताए, इससे हमें ये दिशा मिलती है कि हमारा प्रयोजन अनेक शास्त्रों के ज्ञान को संग्रह करना नहीं है बल्कि हमारा प्रयोजन उतने ही ज्ञान से पूरा होता है जितने को हम अपने जीवन में अनुकरण करते हुए अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम। शास्त्रों के संकलित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा शक्य नहीं, संभव नहीं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखा अभिज्ञाते परे तत्व शास्त्रधी तिष्ठ निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्व शास्त्रधी तिष्ठ निष्फला। यदि तूने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया लेकिन उसके सारभूत उस परम तत्व का बोध नहीं हुआ तो तुम्हारा ये शास्त्र अध्ययन व्यर्थ गया। और यदि तुम्हें उस परम अर्थ का बोध हो जाए तो भी ये सारा शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है हमारे लिए। इसलिए मेरे कहने का प्राय कि जीवन के लिए जो उपयोगी उपाधि ज्ञान है वह जहां से हमें प्राप्त हो जाए उतने थोड़े में से ही हम उसको जीवन में उतार करके आगे बढ़े तो उससे हमारा कल्याण संपन्न हो सकता है, संभव हो सकता है। गीता और उपनिषदों के श्रवण चिंतन मनन से
यही तथ्य ज्ञात होता है। इसी रूप से धर्म के संबंध में और व्यवहारिक जीवन के संबंध में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि अनेक प्रकार के आचार संहिताएं हमारे यहाँ प्रतिष्ठित हैं, बहुत सी स्मृतियां हैं, उनमें से 20 स्मृतियां बड़ी प्रमुख गिनाई गई हैं और उन स्मृतियों के द्वारा ही हमारे आचार संहिता का निर्माण और उन्हीं स्मृतियों के आधार पर आचार संहिता की प्रतिष्ठा है। और उसमें भिन्न भिन्न ऋषियों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के आचार की शिक्षा दी है। हमारे लिए कौन सा उपादेय और उपयोगी है, जब ये जिज्ञासा उत्पन्न हो तो हमारे लिए मनु का एक कथन मिलता है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मना। तो आचार संहिता का अभिप्राय एक होता है कि हमारे से पहले जिसका किसी महापुरुष ने आचरण किया हो, जीवन में उतारा हो, उसको हम अपने जीवन में अनुकरण करें, क्योंकि मनुष्य जो कुछ करता है वह दूसरे के अनुकरण के रूप में ही करता है। कोई ऐसी बात कोई मनुष्य नहीं कर सकता जो उसके लिए बिल्कुल नई नहीं हो सकती। उससे पहले किसी ने उस रास्ते पर एक कदम रखा है, दिशा दिखाई है, अब उस पर दो कदम वो रख सकता है, ये हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नई बात नहीं हो सकती। अब इस विषय में महाभारत में एक और प्रसंग आया कि सही रास्ता क्या है आचार में जीवन बिताने के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी ऐसी राय है, तर्को प्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा कोई सही रास्ता ढूंढा जाएगा ये शक्य नहीं। क्यों शक्य नहीं है? कहा तर्क अप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठित इसलिए है कि आपसे यदि कोई और सूक्ष्म बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला आया तो एक और अच्छा तर्क आपके सामने व्यक्त कर देगा जहां आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, और वो तर्क द्वारा आपको निरुत्तर करके अपनी बात स्थापित कर देगा। और उससे कोई आ जाए सूक्ष्म बुद्धि वाला तो यही गति उसकी हो जाएगी। तो तर्क अप्रतिष्ठित है। हम देखते हैं एक तर्क को दूसरा विद्वान काट करके एक नया तर्क उपस्थित कर देता है। अब तक गीता के ऊपर उपनिषद